हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर निश आज आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन के बारे में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जो है आज के डेट में बहुत सारे घरों में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और कॉन्स्टिपेशन बहुत सारी बीमारियों का जड़ भी है। कॉन्स्टिपेशन होता किस वजह से है? तो कॉन्स्टिपेशन हो जाने का बड़ा कारण है ज़्यादा शारीरिक वर्क ना कर पाना, प्रॉपर डाइट ना ले पाना, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट हर एक घर में मिल ही जाएगा, किसी को जेनेटिकल कॉन्स्टिपेशन भी होता है। तो आज हम कॉन्स्टिपेशन के लिए 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जो बहुत ही बेटर काम करती है। और वो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम आप लोगों को बताएंगे, इजी वे में आपके घर पर उपलब्ध होगा और आप उस मेडिसिन को जानते भी होंगे, बस लेने का तरीका जाने और आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत ही बेटर ढंग से ठीक हो जाएगा। तो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। पहला मेडिसिन है नक्स भूमिका, उस मेडिसिन को आप लोग जानते ही होंगे। तो नक्स भूमिका मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही बेटर मेडिसिन है। उसमें होता है कि आपको लैट्रिन की जो टेंडेंसी है वो बार बार लगता है लेकिन होता नहीं है, उसमें आप नक्स भूमिका मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करेगी। दूसरी चीज़ है, अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो, क्रोनिक कब्जियत हो, तो उसमें भी नक्स भूमिका मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है और आप लोग नक्स भूमिका मेडिसिन को जानते ही होंगे। दूसरी मेडिसिन है साइलिसिया, तो साइलिसिया मेडिसिन भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही बेटर मेडिसिन है। तो साइलिसिया में क्या है कि पेशेंट को मोशन तो बहुत तेज़ी से लगेगा लेकिन वो स्टूल फिर वापस हो जाता है, इस टाइप की टेंडेंसी। उसमें मैकेनिकल स्टूल पास करने की जरूरत जाती है, तो इस टाइप में आप साइलिसिया मेडिसिन ने बहुत ही बेटर काम करेगी। अब बताने में थोड़ा कुछ तो समझ सकते हैं कि साइलिसिया में है कि मोशन तो आपको होगा लेकिन स्टूल फिर वापस हो जाएगा और उसे मैकेनिकली निकालनी पड़ती है साइलिसिया के पेशेंट को। तो उस जगह पर अगर आप साइलिसिया देते हैं मेडिसिन तो बहुत ही बेटर ढंग से स्टूल पास होगा। तो ये हो गया साइलिसिया मेडिसिन। तीसरी मेडिसिन है एलुमिना, तो एलुमिना का पेशेंट होगा आप जान जाए कि उसका पेशेंट 2 से 3 दिन पर लैट्रिन जाता होगा, इजी वे में जान जाए 2 से 3 दिन पर लैट्रिन जाता है, तो वो एलुमिना का पेशेंट है। और उसे आप एलुमिना मेडिसिन 30 पावर में, जो भी मेडिसिन बताया साइलिसिया हो या नक्स भूमिका हो, 30 पावर में सब मेडिसिन यूज करें। और जैसे एलुमिना 30 आप दी, अगर लिक्विड में है तो 4 गोली 3 बार दी, अगर गोली में है तो 4 गोली 3 बार दी, बहुत ही बेटर काम करेगी इस टाइप का अगर पेशेंट होगा तो। उसके बाद आ जाती है मेडिसिन ब्रानिया, तो ब्रानिया मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन का बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। तो ब्रानिया में क्या होता है कि स्टूल बहुत आपका हार्ड होगा, ब्लैकिस होगा, ब्रानिया का ये सिम्टम है, उसमें आप ब्रानिया 30 पावर में दें, गोली है तो 4-4 गोली, अगर लिक्विड में है तो 4-4 गोली में बहुत ही बेटर काम करेगी। उसके बाद लास्ट 5th जो मेडिसिन है उस मेडिसिन का नाम है लाइकोपोडियम, वो भी मेडिसिन आप लोग जानते होंगे। तो लाइकोपोडियम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा गैस, तो वैसे पेशेंट को आप लाइकोपोडियम 30 पावर में दें सुबह दोपहर शाम, बता ही दी गोली में 4-4 गोली, लिक्विड में 4-4 गोली, बहुत ही बेटर काम कॉन्स्टिपेशन में करेगी। तो ये कॉन्स्टिपेशन की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आप घर पर आराम से यूज कर सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और भी कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ पूछने की इच्छा हो तो आप